हमारी कोई भूमि नहीं, यही हमारी रोजी रोटी थी, हमने खून पसीने कमा के खरीदा था, लेकिन वही नदी लेके चली गई। मिट्टी हम लोगों पिताजी घर है, कल हम इसमें रहते थे, लेकिन आज यह ऐसा हाल हो गया है कि हम क्या कहें, हम कहां जाएं। 100 फुटी घर आसिले एतिया 2 फुटी, मैं आसु 5 फुटी, केने का थकी हमें, केने का घर बनाम हमारे गुटा टोका टू गोल खेती कर। मेरा घर चला गया, माटी भी चला गया, हम लोग कहाँ रहेगा है ना। ज्यादा है कि सरकार हम लोग को सहायता करे। कोपरी नदी लगभग आज से 3 दिन पहले 14 तारीख को बाढ़ आया था, जिसमें पश्चिमी कार्बी अलंग असम खेरनी दास बस्ती हमारी भूमि जो किसान फसल लगाए थे सारा खत्म हो गया। अब इसके कारण हमारी जहाँ तहाँ गड्ढा सड्ढा हो गया, और पहले बालू एकदम पूरा का पूरा देखिए मरा बालू, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, और यहाँ जो था LP स्कूल सब कट कर दिया। इधर आप देख सकते हैं किस प्रकार की नदी बह रही है। हम और पढ़ेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, यही हमारी रोजी रोटी थी, और यही सब कपली नदी ने खराब कर दिया। अभी हमारे पास कुछ नहीं है चलने के लिए, जो कुछ था हमने इसे 2-3 कोड़ कड़वा के इतना बड़ा फसल किया था, आप देख सकते हैं किस प्रकार की सारे नदी तोड़ ले गई। और ये गन्ना है, इसी से हमारी दास बस्ती की रोजी रोटी चलती थी। हमारी गांव की एकदम अवस्था खराब है। हम रिक्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर से कि कुछ मदद करें हम किसानों की, कुछ आए देखें हमारी क्या हो गई है इस मिट्टी की बदलाव। सर देखिए मेरा घर है, हाल बेहाल हो गया है, मैं घर रहने का भी हालत खराब है, कैसे रहेंगे क्या करेंगे। एड्रेस खेरनी दास बस्ती, सब खेती होती था हम लोग का, सब नुकसान हो गया है, और क्या खेती होगा, कैसे रहेंगे हम लोग जी। सरकार से कुछ मदद मिलना चाहिए, जो भी जैसे मदद आए। हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या गुजारिश करना चाहते हैं? और हम लोग का मतलब घर बनाने का जमीन चाहिए, माटी वटी खेती कहीं मिलना चाहिए, जैसे फार्म हो या कहीं। हम लोग का हमारे नहीं, पूरा बस्ती का आदमी बेहाल है, पूरा दास बस्ती का एकदम ऐसा हालत हो गया है, पूरा दास बस्ती का हाल बेहाल है। नदी सब देखिए, सब नदी नदी है, सब पानी घर के सामने में 5 नल छोड़ के नदी में, 5 नल नदी नदी है पानी सामने में इधर। हम लोग को यहाँ रहना मुश्किल हो गया एकदम। कल यहाँ पर हम खेती करते खूब सारा फसल लगा था, 1 महीना पहले आया था प्लाट, हम लोग बर्बाद हो गया। आज पानी कमने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हम क्या करें, कैसे हम लोग रहे, कैसे जिए, क्या खाए, कुछ समझ नहीं आता। ये हमारे घर था, हमारी पड़ोसी के लक्ष्मण सिंह बनाए थे, लगभग 20-25 हजार देते नया घर। देखिए इस घर का क्या असर हुआ, अच्छा अच्छा पढ़ाना है सब हम लोग का, सब इसी से चलना है, दवा पानी। हम लोग कोई न बिजनेस है, ना मास्टर है, ना कोई लाइन नहीं है, सब हम लोग का बर्बाद है। मतलब सरकार से मदद मिलना चाहिए, हमें घर द्वार भी मिलना चाहिए, सब हम लोग घर देखिए क्या हाल है, देख लीजिए, पता मार लीजिए, देखिए किस प्रकार की हम फसलें रखे थे। ये गोरु खाने के लिए हम लोग पुआल रखे थे, पुआल भी सब बर्बाद हो गया। ये हमारे घर है, कल हम इसमें रहते थे, लेकिन आज यह ऐसा हाल हो गया है कि हम क्या कहें, हम कहां जाएं। 100 फुटी घर आसिले एतिया हो गल 2 फुटी, मैं आसु 5 फुटी, केने का थकी हमें, केने का घर बनाम हमें, गुटा टोका टू गोल खेती करी बोल। ओ बड़ा भैया, उनका भी घर एकदम बर्बाद हो गया, हम देखे एकदम नदी बह रहा है सामने में, उनका भी अलग फिर दस बस की लाइफ। ओ देखे वो तरह घर, वो भी घर बर्बाद हो गया है, देखे तो घर कैसे हो, कहां जाए। 7 बसर थकी कि नहीं, तू कटहल तू खड़ा करिसु एतिया भांगी गोल, हमें की खाम, हमार गुटे गोल, हमार गुटे गोल। हमें एट रिक्वेस्ट करूं श्री तुलीराम रंगहांग जी से कि हमें कृपया चलने के लिए कुछ लाइन दीजिए। हमारी CM आवासम की हिमंत बिश्व शर्मा से रिक्वेस्ट है, दास बस्ती चलने के लिए देखिए इस घर को, दास बस्ती स्कूल के नीचे में रमा सिंह पिताजी है, वहाँ उन्हीं का घर सब हम लोग बर्बाद हो गया। हम लोग का जल्द से जल्द घर सब मिलना चाहिए,
काल परसों कभी भी नदी हमारी घर को ले जा सकती है, हमारी कोई भूमि नहीं, यही हमारी रोजी रोटी थी, हमने खून पसीने कमा के खरीदा था, लेकिन वही नदी लेके चली गई। ये मिट्टी हम लोग पिताजी किने थे, सब सब बर्बाद हो गया। बताए कहाँ जाए, क्या खाए, सब हम लोग का हालत खराब हो गया।